देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। किसी भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप और ट्विटर पर नेहरू से जुड़ी वायरल फोटोज आपको देखने को मिल ही जाएंगी, जिसमें उन्हें अलग अलग महिलाओं के साथ देखा जा सकता है। किसी में वो सिगार फूंकते नजर आते हैं तो किसी तस्वीर में महिलाओं को गले लगाते दिखते हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर ऐसे आरोप भी लगते हैं कि पंडित नेहरू वुमनाइजर थे और जल्द ही किसी भी महिला की ओर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन नेहरू के इन पहलुओं को हमेशा ढकने की कोशिश की गई, काफी हद तक छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन वहीं आपने अक्सर टीवी चैनल पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये आरोप लगाते हुए सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था? नेहरू ने अपनी पत्नी के साथ जो किया वो इतना भयावह था कि जानकर आप शायद नेहरू से नफरत करने लगेंगे। दरअसल जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को टीबी हो गया था। उस जमाने में टीबी की दहशत ठीक ऐसी ही थी जैसी आज कैंसर या एड्स की है, क्योंकि तब टीबी का इलाज नहीं था और इंसान तिल तिल तड़प तड़प कर पूरी तरह गलकर हड्डी का ढांचा बनकर मरता था। और कोई भी टीबी मरीज के पास जाने से डरता था, क्योंकि टीबी सांस से फैलती थी। लोग मरीजों को पहाड़ी इलाके में बने टीबी सैनिटोरियम में भर्ती कर देते थे। नेहरू ने अपनी पत्नी को योगोस्लाविया, जो कि आज चेक रिपब्लिक है, कि प्राग शहर में किसी दूसरे इंसान के साथ सैनिटोरियम में भर्ती करा दिया था। कमला नेहरू पूरे 10 सालों तक अकेले टीबी सैनिटोरियम में पल पल मौत का इंतजार करती रही। लेकिन नेहरू दिल्ली में एडविना बेंटन के साथ इश्क फरमाते रहे। सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि इस दौरान नेहरू कई बार ब्रिटेन गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने प्राग जाकर अपनी धर्म पत्नी से ना तो मिलने की कोशिश की, ना ही उनका हालचाल जानना ही मुनासिब समझा। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगी तो वो प्राग गए और डॉक्टरों से और अच्छे इलाज के बारे में बातचीत की। प्राग के डॉक्टरों ने बोला कि स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में एक आधुनिक टीबी हॉस्पिटल है जहां इनका अच्छा इलाज हो सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत उस जमाने में 70,000 रुपए इकट्ठा किए और उन्हें विमान से स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में हॉस्पिटल में भर्ती किया। लेकिन कमला नेहरू असल में मन से बेहद टूट चुकी थी। वो शायद अंदर ही अंदर हार चुकी थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनका पति उनके पास पिछले 10 सालों से उनका हाल चाल तक लेने नहीं आया और गैर लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। 2 महीनों तक बुसान में भर्ती रहने के बाद आखिरकार 28 फरवरी 1936 को बुसान में ही कमला नेहरू की मौत हो गई। उनकी मौत के 10 दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को तार भेजकर तुरंत बुसान आने को कहा था, लेकिन नेहरू नहीं आए। फिर नेहरू को उनकी पत्नी की मौत की खबर भेजी गई, फिर भी नेहरू अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। आखिर में स्विट्जरलैंड के बुसान शहर में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का अंतिम संस्कार करवाया। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव किया उसे हम चाचा नेहरू कहते हैं। दरअसल नेहरू के बारे में गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर दूसरी महिलाओं के साथ नजदीकी की गवाही देती हुई कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसा ही एक वीडियो 2020 में CIA के पूर्व अधिकारी और JFK फॉरगेटन क्राइसिस तिब्बत द CIA एंड द सिनो इंडियन वॉर के लेखक ब्रूस रिडेल का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें रिडेल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर अपनी पुस्तक की चर्चा करते देखे जा सकते हैं। हालांकि ये वीडियो 2016 का था, जहां रिडेल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी का भी जिक्र किया था। रिडेल का कहना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी के प्यार में पड़ गए थे। जैकलिन कैनेडी नेहरू से 40 साल छोटी थी। हालांकि ऐसे और कई भी मौके आए जब नेहरू से कम उम्र की महिलाएं एक से ज्यादा बार उनका दिल चुरा बैठी, जिन्हें वो एयर इंडिया से प्रेम पत्र भेजा करते थे। लेकिन जैकलिन कैनेडी के बारे में ये तथ्य बिल्कुल नया है।
रिडेल ने यह भी बताया था कि नेहरू जैकलिन कैनेडी की तस्वीरें अपने सिरहाने में रखते थे। जवाहरलाल नेहरू की आशिक मिजाजी का यही एक नमूना नहीं है। एडविना माउंटबेटन के साथ उनका कथित संबंध अक्सर चर्चा का विषय रहता है। हालांकि हाल ही में एडविना की बेटी ने अपनी एक पुस्तक में खुलासा किया था कि उनकी माँ और नेहरू के बीच का रिश्ता कभी भी शारीरिक संबंधों तक नहीं पहुंच सका था, क्योंकि उन्हें कभी भी प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी। उसके बाद जब 59 वर्ष की आयु में एडविना की मृत्यु 1960 में हुई तो नेहरू ने भारतीय नौसेना के फ्रीगेट INS त्रिशूल को स्कॉट के रूप में और साथ ही उनकी याद में पुष्पांजलि देने के लिए भेजा। लेडी माउंटबेटन की बेटी लेडी पामेला हिक्स का कहना है कि 1960 में उनकी मृत्यु पर एडविना को उनकी इच्छा के मुताबिक समुद्र में दफनाया गया था। शोक में डूबा उनका परिवार जब घटनास्थल पर माल्यार्पण के बाद हटा तो भारतीय फ्रिगेट INS त्रिशूल उस जगह पर आया और पंडित जी के निर्देशों के मुताबिक मैरीगोल्ड के फूलों की वहां पे बारिश की गई। दरअसल एक बड़ी आबादी ऐसी है जो नेहरू के समर्पण और त्याग को संदेह की नजर से देखती है। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि वो ब्रिटिश शासन के करीब थे और उनकी वकालत करने वाले लोगों में से एक थे। तबे जुबान में लोग नेहरू के चारित्रिक छवि से भी खुश नहीं रहते थे, क्योंकि उनके सहज बर्ताव भारतीय एथिक्स के खिलाफ थे। मतलब साफ है कि इस खानदान के जिस भी पन्ने को आप पलटेंगे, जितने अंदर तक जाएंगे उसके नीचे से उतनी ही गंदगी निकलेगी और आपकी नफरत उतनी ही बढ़ती जाएगी। रेटली मीडिया की रिपोर्ट।